Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami and in this video we'll be talking about the rise and the fall of Turkish real estate agents. पहले मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ. ये हमारा एरिया है कराकोए का. उस साइड पे एमिनेनु है, यहाँ पे हमारा गोल्डन हॉर्न है, पीछे यू कैन सी दैट्स गलाता टावर. इस साइड पे चले जाएं गलाता फोर्ट आ जाता है. मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो हैं फिशिंग कर रहे हैं. तो इसी से मैं जोड़ता हूँ कि बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में फ़िशिंग की है. ठीक है, और किस सूरत में, आप लोगों की सूरत में फ़िशिंग की है. लेकिन दो तरह के लोग हैं यहाँ पर. एक तो आपको प्रोफेशनल्स मिलते हैं जिनके पास अपनी स्टिक्स हैं, जिनके पास अपना सारा कुछ है. एक एमेच्योर्स हैं. तीसरे वो लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं और खड़े होकर देख रहे हैं कि जी मछलियाँ किस तरह पकड़ते हैं. समझदारों के लिए आई बिलीव इशारे ही काफ़ी है. देखिए, पिछले 3-4-5 सालों में जब से यहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ा आने का, तो यही हुआ है. तीन तरह की कैटेगरीज मिलती हैं. एक तो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, प्रॉपर कंपनीज के साथ, प्रॉपर टीम्स के साथ, प्रॉपर लॉयर्स के साथ, सारा कुछ प्रोफेशनली साउंड एथिकल कर रहे हैं. एक वो ये हैं जो बरसाती, जिनको हम कहते हैं नए नए आए कि यार ठीक है मैं दुबई से आ गया, मैं पाकिस्तान से आ गया, मैं इंडिया से, बांग्लादेश से, यूके, यूएस से, दुनिया भर से, सिर्फ इसलिए कि यार एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है उसको कैच कर लें, उसको कैश कर लें. तीसरे वो लोग के जिनको कुछ भी नहीं पता, हमारी यूट्यूब्स देखी, बाकी लोगों की यूट्यूब देखी और लोगों को उन्होंने नीम हकीम खतरा जान बन गए. ठीक है, बताना शुरू कर दिया कि जी ऐसे प्रॉपर्टी लेते हैं, ऐसे पासपोर्ट लेते हैं, ऐसे ये करते हैं, ऐसे वो करते हैं. ठीक है ना, तो देखिए दैट्स हाउ इट इज़. और इसलिए जो भी अरसे में हुआ है वो इसी तरह ही हुआ है. लोगों को उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा रहा जो एक तो एमेच्योर थे या जो नीम हकीम थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपसे एक रुपया चार्ज नहीं कर रहे. और इन द एंड यू एंड अप जंपिंग इनटू दिस वाटर विदाउट एनीथिंग. ठीक है, प्रोफेशनल्स के पास आप जाते हुए डरते थे कि यार उसके पास मर्सिडीज़ है, वो मुझे वीटो भेज रहा है, वो मुझे ये भेज रहा है, मतलब मेरा गला काटेगा, मुझसे ज़्यादा चार्ज करेगा. तो बिल्कुल इस तरह नहीं है, बिल्कुल इस तरह हुआ भी नहीं. क्योंकि देखिए मैं बार बार ये बात की, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बार बार ये बात करता हूँ कि प्रोफेशनल कंपनीज़ का, एक रजिस्टर्ड कंपनीज़ को बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारे उनको जवाबित को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स को पूरा करना पड़ता है. ना एमेच्योर्स को, ना तमाशबीन को, उनके लिए कुछ भी नहीं. उनका ये है कि दिहाड़ी लग गई, नहीं लगी किसी और चीज़ में दिहाड़ी लगा लेंगे. ठीक है, देखिए मैं बार बार बताया कि जी साल में 2-3 मिलियन प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई, पिछले इतने सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हुआ, लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ, आप जैसे मासूम लोगों को बहुत नुकसान हुआ. नुकसान इस सूरत में कि आप लोगों ने गलत लोगों पे भरोसा किया. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपना ये नहीं कहूँगा कि जी मैं मिस्टर आदिल समी द मोस्ट प्रोफेशनल वन. नो, बिल्कुल भी नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं. ठीक है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, गलतियाँ आप लोगों ने उस सूरत में सफ़र किया कि आप लोग या तो एमेच्योर के पास चले गए या तो तमाशबीन के पास चले गए. मैं बार बार बात करता रहा कि जी हमारी कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस हैं, मेरे मुलाजमीन हैं, सारा कुछ रजिस्टर्ड है. तो मैं लेफ्ट या राइट नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रेट जाना ही जाना है. ठीक है ना, मुझे कोड ऑफ कंडक्ट पूरा करना ही करना है. और वो लोग कि जी मैं आपको 2.5 लाख का पासपोर्ट 2 लाख में, 1.5 लाख में, 1 लाख में, 4 लाख का पासपोर्ट 2 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में, एंड पे आप फंसे, एंड पे आप परेशान हुए. ठीक है ना, ये वो लोग जो बाहर बैठे थे उनका एमेच्योर्स के साथ रابطہ था. वो कहता था कि जी मैं 2.5 लाख में कर दूंगा, वो 50,000 डाल के जी मैं 3 लाख में करवा दूंगा. अगर 1 लाख में है तो 50,000-20-25,000 अपना डाल के, दिहाड़ी डाल के मैं इतने में करवा दूंगा. इससे मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचा. ठीक है ना, कि दुनिया भर से लोग आए जिनको नो हाउ नहीं थी, जिनको पता नहीं था, यहाँ पे आके अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कचरा कर दिया. और किसका साथ, किसने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया कि जी मेरा दोस्त है वहाँ पे पढ़ने गया हुआ है, तो उसका भाई है, तो उसका ये है, उसका वो है. मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि आपका अगर बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपको बीमारी है, आप बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे या बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तो आप कहते हैं जी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. मगर ये डॉक्टर से बड़ा मसला है. रीज़न, अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो इट कैन लीड्स यू टूवर्ड्स द डॉक्टर, इट कैन लीड्स यू टूवर्ड्स द हार्ट अटैक. ठीक है ना,
देखिए, जिंदगी भर की आपकी जमा पूंजी, जिंदगी भर जो आपने कमाया, अपना पेट काट काट के आपने जमा किया, आप इस तरह अगर करते फिरेंगे तो फिर यही होगा ना। और ये हुआ है अनफॉर्चुनेटली। किस लिए? मैं लॉयर का 2,000, 3,000, 5,000 बचा लूँ, मैं रजिस्ट्री का 2,000, 3,000, 5,000 बचा लूँ, मैं इसका इतना बचा लूँ, लगा लाखों डॉलर देने हैं, ठीक है, चीज़ उतने की ले लेनी है, मगर ये छोटे 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 पैसे बचा के ना आपने अपना नुकसान करवाया। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी मार्केट को इस पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जोर पड़े, ठीक है ना। और आपका सिर्फ कसूर नहीं, कसूर इन लोगों का भी है, मैं कहूँगा हम सब का कसूर है इसमें, ठीक है ना, कि हमने इन लोगों के ख़िलाफ़, ऐसी कंपनीज के ख़िलाफ़, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं किया यहाँ पे। मगर अब सबको होश आ रहा है, सबको पता चल रहा है कि जी लॉस को किस तरह फॉलो करना है, चीज़ों को किस तरह फॉलो करना है। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले नवंबर से जुर्माने भी लगाने शुरू करने, वो लोग या वो कंपनीज या वो इंडिविजुअल्स जो फेक यहाँ पे अकाउंट्स चला रहे हैं या फेक एडवर्टिजमेंट करते हैं, ठीक है ना, सबके खिलाफ यहाँ पे जुर्माने होंगे। और बहुत अच्छा इकदाम है और होने चाहिए थे ये। अगर शायद 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले हो जाते तो हमारी आज मार्केट साफ़ सुथरी होती यूएई की तरह। मगर देर आए, आई बिलीव दुरुस्त आए, दिस इज़ द टाइम। हमें स्टिल अच्छे फैसले लेने चाहिए, सीधे फैसले लेने चाहिए। और आपको देखना चाहिए, देखें कि यहाँ पे जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं वो इसी तरह उन्होंने काम किया जिस तरह मैंने आपको बताया, फिशिंग किया उन्होंने सिर्फ, ठीक है ना, किसी ने लड़कियाँ दिखाकर, तो किसी ने छोटे कपड़े पहना के। मगर मुझे ये सारी चीज़ें ना सूट की ना मुझे समझ में आई। मुझे था कि जी मैं, ठीक है, एक ब्राउन बंदा जो उर्दू हिंदी बोलता है, दाढ़ी के साथ लोगों को बड़ी तकलीफ भी होती थी, मगर यही है जी, मैं गिर नहीं सकता, मैं अनएथिकल नहीं हो सकता, मैं अनप्रोफेशनल नहीं हो सकता, वॉट एवर इट इज़ वो यही है, ठीक है ना। बाकी आई बिलीव किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टिल मैं कहूँगा कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अनरजिस्टर्ड लोग हैं, हज़ारों की तादाद में अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं। बचना किस तरह है वो आपको पता है, बचना किस तरह है मैं आपको बता सकता हूँ बार बार, ठीक है, एक दफ़ा नहीं, बार हाँ मैंने बताया कि बचना किस तरह आपने। बाकी इन द एंड डिसीजन इज़ ऑल योर्स। बाकी मुझे मेरी लाइफ को फॉलो करने के लिए नीचे आदिल समी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करनी हो, आई एम ऑलवेज हेयर, ठीक है। बाकी भरपूर ख्याल रखें, एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और लेट मी शो यू दिस व्यू नाउ। Thank you.